इसलिए साधक को चाहिए कि वो उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित स्थित हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। विषयों का चिंतन करने वाला मनुष्य उन विषयों में आसक्त हो जाता है, आसक्ति से उन विषयों में कामना उत्पन्न होती है, और जब कामना में विघ्न पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृतियों में भ्रम हो जाता है, इस स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपने स्थिति से गिर जाता है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है।